अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्यारे प्यारे फूल आप लोगों ने देखे तो ये मुझे गिफ्ट्स मिले थे और मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। वैसे हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर ही होती है। अच्छा, ये सुबह का टाइम है, बाकी के काम वगैरह मेरे हो गए थे। सैटरडे का व्लॉग है ये मेरा, और नाश्ता भी वगैरह हो गया था हमारा, उसके बाद घर के जितने काम थे वो भी हो गए थे, और फिर मैंने लॉन्ड्री शुरू की थी। लॉन्ड्री ज़रूरी होती है हर दूसरे दिन, क्योंकि रायन किंडरगार्टन जाता है और वहाँ डेली बेसिस पे ही इसको चेंज करना होता है, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है तो ये लोग रेत वगैरह में बहुत ज़्यादा खेलते हैं। अच्छा, ये देखिए मेरे फूल बहुत प्यारे प्यारे से आहिस्ता आहिस्ता से ये इनकी ग्रोथ हो रही है, शुक्र है कोई ड्राई नहीं हुआ इसमें। अच्छा, ये स्टैंड आजकल बाहर ही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रूम से ये निकल चुका है, क्योंकि ये बेचारा मेरे रूम में ही होता है, लेकिन इस वीक में ये पूरा वीक बाहर ही रहा, तो मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मेरा रूम भी थोड़ा सा इसके बगैर जैसे खुला खुला सा लगता है ना। अच्छा, ये हो गया था, इसके बाद मैं बनाऊंगी जल्दी जल्दी से अपना खाना, और रयान यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मामा कब हम लोग बाहर जाएंगे, तो मैंने इसको कहा अभी खाना खाते हैं और उसके बाद रिलैक्स होके बाहर जाएंगे, इसको लेके जाऊंगी पार्क, थोड़ा सा मैं भी वॉक कर लूँगी और इसकी जैसे खेल वगैरह के लिए इसको लेके जाऊँगी ताकि ये खुश हो जाए। तो राइस की रेसिपी तो खैर शेयर करना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं था, क्योंकि बहुत पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो सिंपल पुलाव मैंने बनाया था और जो मीट है उसको मैंने पहले से ही इसकी यखनी बना ली थी, बाकी मैंने इसको जस्ट प्याज का तड़का लगाया है और उसके बाद यखनी डाली है और चावल डाले हैं, तो केले केले से चावल हमारे बन गए हैं मीट पुलाव। तो ये बहुत ज़्यादा यमी होता है, मैं तो दूसरे दिन भी जैसे खा लेती हूँ इसको। ये देखिए कितने केले केले से राइस बने हैं हमारे, अपने जो पके बासमती वाले राइस होते हैं। तो रायन की भी आवाज़ें आप लोगों को शायद आ रही होगी, क्योंकि वो जल्दी में है, क्योंकि मैंने उसको बताया था सुबह कि हम लोग जाएंगे खाने के बाद पार्क चले जाएंगे, और आजकल चूँकि पूरा हफ्ता हमारा इतना सनी वेदर रहा है, ठंड भी होती है, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन पहले की तरह ठंड नहीं है, और बहुत ज़्यादा जैसे मौसम बाहर का अगर आप देखें खूबसूरत होना, सनी डे हो तो दिल का मौसम भी खूबसूरत हो जाता है। अच्छा, खाना हम लोगों ने खा लिया था और उसके बाद मैं और रायन हम लोग निकल आए थे। इसके वो चाहिए थे मेंटोस, निदा के साथ देखे थे तो इसको भी चाहिए थे, खैर वो भी मैंने इसको दिला दिए और उसके बाद सीधे हम लोग चले गए थे पार्क। तो पार्क में ये काफ़ी ज़्यादा खुश था, भाग दौड़ इसकी लगी हुई थी, कभी ये इस जगह कभी उस जगह, लेकिन यह है कि शुक्र है ये भी बाकी बच्चों की तरह जैसे खुद से ही खेलता है, कभी तंग। अच्छा जी, रायन का खेलना जो था वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा था, हम लोगों ने 2-3 घंटे तो इजीली हमारे गुजर चुके थे यहाँ पे, और फिर मेरी तलब थी कि ठंड भी हो रही थी, क्योंकि शाम जैसे जैसे शाम के करीब टाइम हो रहा था ना तो ठंड हो रही थी, फिर इसको ज़ुकाम भी जल्दी हो जाता है, तो मैं जल्दी से चाह रही थी कि हम लोग घर चले जाए। घर आके सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं अपने लिए चाय बनाऊं, और वैसे भी केक जो मैं लेके आई थी किसी ने खाया भी नहीं था, निदा ने एक पीस लिया था और बस, तो मैंने सोचा पहले रायन से मैंने पूछा, उसको खाना नहीं था, मैंने सोचा पहले मैं चार्ज हो जाऊं, चाय वगैरह पी लूं अच्छे से और रिलैक्स हो जाऊं, तो फिर बच्चों के लिए भी कुछ करती हूं, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ खाना नहीं था, और चिप्स वगैरह वो टीवी देख रहे थे, चिप्स भी खा रहे थे साथ में, तो मैंने कहा ये टाइम अब रिलैक्स होने का है, मैं बैठ के आराम से अपना चाय एंजॉय करूँगी और उसके बाद दूसरी दफ़ा भी चाय पीऊँगी, जब इन बच्चों को बच्चों के लिए मैंने स्नैक भी रखना है, तो मैंने सोचा एक कप अभी हो जाएगा और एक कप बाद में हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो खैर नहीं कह सकते, लास्ट ईयर से मुझे कुछ ज़्यादा ही चाय का हुआ है, मैं पहले दिन में 2 दफ़ा पीती थी, अब 3 दफ़ा तो पीती ही हूँ, लेकिन अगर 4th दफ़ा मिल जाए ना तो भी खुशी होती है, इनकार नहीं करती कभी। अच्छा, फिर शाम को मैंने रख दिए थे स्नैक्स,
और निदा तो खैर पता नहीं निदा को क्या हो गया है, ना चिकन नगेट्स अब खाती हैं, ना ये फ़िश अगर मैं फ्राई कर लेती हूँ जो फिंगर फिश है खा लेती हैं, लेकिन अगर बेकिंग ओवन में रखती हूँ ना, मैं ऑयल वगैरह की वजह से करती हूँ ताकि बच्चों को भी ज़्यादा ऑयल में ना दूँ, और वैसे भी ऑयली चीज़ें अच्छी तो होती नहीं है, तो फिर वो खाती नहीं है, मसला ये भी है। खैर इनका हो गया है और स्नैक इनका रेडी हो गया है, और वो साथ में मेरी ये देखिए मेरी चाय भी साथ में दोबारा से रेडी हो रही है, तो अभी मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी और ये रयान जो है अपना स्नैक ये खाएगा। निदा भी उस साइड पे बैठी हुई थी, निदा को अच्छा नहीं लगता इसको कि मैं उसको वीडियो में लाऊँ, वरना मुझे अच्छा लगता है कभी कभी उसको मैं वीडियो में लाऊँ, लेकिन वो उसको नहीं अच्छा लगता। तो जी सारा दिन हमारा इसी तरह गुजर गया बच्चों के साथ, कभी बाहर कभी घर, और अभी आपको दिखाती हूँ शाम का मंज़र, बहुत ही खूबसूरत लगता है बालकनी से जब मैं देखती हूँ ना शाम का मंज़र, सामने बैठी होती हूँ अपने लाउंज में और इसको भी देखती हूँ, इसको भी इंजॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो मैं बाहर निकल आई और आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने छोटा सा क्लिप लिया। इसके साथ लूँगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।